जय श्री नारायण, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, जो रोज़ाना वही कार्य, वही सेवाएं, वही काम करते हैं। जो आप सभी इनके बारे में जानते हैं और जो भी जानता है हैरानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी सेवा मिलना, सबसे बड़े प्रिय भक्त जो प्रिय भक्त होते हैं ठाकुर जी के, उन्हीं पे इतनी कृपा करते हैं। अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव पे इतनी बड़ी कृपा है, 30,000 भक्तों की सेवा पर डे रोज़ करते हैं। और इतना ही नहीं, साथ में अपना कथा, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी करते हैं, जो हज़ारों भक्त, लाखों भक्त, करोड़ों भक्त उनको सुनते हैं और ज्ञान का अमृत रसपान करते हैं। इतना नहीं, उसके बाद समय मिलता है अन्नपूर्णिमा में रसोई में जाकर रोटियां बेलते हैं सभी के साथ और पकवान भोजन बनाते हैं। देख रहे हैं हमारी फ़ोटो के माध्यम से, कढ़ाई में सब्जी चला रहे हैं गुरुदेव और रोटियां बेल रहे हैं चक्र बेलन से, जो 4-5 भक्त बेल रहे हैं। और अन्नपूर्णिमा रसोई में सभी संतों को अपने हाथों से गुरुदेव भोजन परोस रहे हैं और माता जी को भी भोजन परोस के अपने हाथों से स्वयं खिलाया और माता जी ने भी बहुत बहुत प्रेम लुटाया गुरुदेव पर। इतनी सुंदर सेवा, इतनी महान सेवा देखकर हर कोई हैरानी में हो जाता है। और इतने सारे कार्य हो रहे हैं सिर्फ गुरुदेव के ही साथ नहीं, उसमें गौरी गोपाल परिवार का भी बहुत सपोर्ट, बहुत साथ है। गौरी गोपाल भगवान की इतनी कृपा है सभी प्रिय भक्तों पर, जो सेवा से जुड़े हैं, कोई तन से जुड़ा हुआ है तो कोई अपने धन से जुड़ा हुआ है, जिसके पास बिजनेस है, काम बहुत सारा है, तो वो अपने पैसे से दान कर कर सेवा दान से जुड़ा हुआ होता है। और जिसके पास समय है, अपने शारीरिक सेवा करता है, अन्नपूर्णिमा में खाना बनाना और अपने बंटवाना। और इतना ही, गुरुदेव को तो कहाँ टाइम मिलता है बांदरों को चने खिलाने, बांदरों की भी सेवा करनी, गौ माताओं की सेवा करनी, चारा लाना, उन्हें रोटियां खिलाना अपने हाथों से, यहाँ तक कि प्रत्येक रोज आना, तथा पाठ भी, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी करते हैं, क्योंकि आज तक करोड़ों परिवार उनको सुनता है, देश में, अन्य विदेश में इनको फॉलो करते हैं, जानते हैं और इनको काफ़ी सेवाओं की, क्योंकि संस्कृति भी आगे बढ़ा रहे हैं, 25 बच्चों को भी अपने गुरुकुल में शिक्षा दे रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। और हमारे इंग्लिश मीडियम में चले जाओ या हिंदी मीडियम में पढ़ लो, संस्कृत के बारे में हमें बहुत कुछ कम बताया जाता है, बहुत कम, बहुत से तो पढ़ाते ही नहीं है संस्कृत, लेकिन गुरुदेव अपने शिष्यों को अपने गुरुकुल में संस्कृत की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पूरे अपने सनातन धर्म की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसमें जानकारी सब दे रहे हैं, जो हमारे धर्म की पुस्तकें होती हैं, किताबें होती हैं, उनके बारे में सब पूरा ज्ञान दे रहे हैं गुरुदेव। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी की सेवा और दिल खोल के और ज़्यादा करें। और इतना ही नहीं, आप सब की सपोर्ट से भी गुरुदेव ये सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि दान पुण्य आता है तभी पर डे सेवा चलती रहती है, वरना दान पुण्य नहीं आ पाता तो सेवा ही रुक जाती है। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, ठाकुर की कृपा हमेशा इतनी रही कि हज़ारों भक्तों का पेट रोज़ाना भरता है अन्नपूर्णा रसोई से, और अपना गौ माताओं का भी चारा आता है और अपने गौ माता की सेवा भी होती है, बांदरों की सेवा भी होती है, और यहाँ तक कि 280 जो माता हैं, 280 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं माताएँ, अभी एक माता और आ चुकी थी, जो गुरुदेव ने परिचय कराया था सभी को सोशल मीडिया के साथ सामने और अपने कथा पंडाल में भी। तो माता ने खुद अपने मुझसे बताया था कि वे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपने बेटे से बेटा मारने लगा था और बेटी मजबूर है ससुराल वालों की वजह से सेवा नहीं कर पा रही, तो वृद्ध आश्रम आ गए छोड़ने बेटी, और अपने खुद परिचय बताया था उन्होंने माता जी ने, और गुरुदेव ने सभी के समक्ष माता जी को स्वीकार करा और अपने आश्रम में स्थान दिया, उनकी सेवा कर रहे हैं बहुत सच्चे हृदय से, एक रुपये भी नहीं लिया जाता माताओं से, बहुत मन से सेवा करते हैं। और इतना ही नहीं, जो भजन गाते हैं इसमें पूरा पूरा
इतना आनंद आता है और इतनी कथा, इतनी पावन सुंदर कथा करते हैं। इनके भजन में सुपर हिट और बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। इनकी खुद की फैमिली भी है जिसमें दो पुत्र हैं, माता है, पत्नी है। पत्नी भी पत्नी होने का धर्म निभाती है, पूरा गुरुदेव के साथ अपना काम कार्य कराती हैं, क्योंकि उन वो भी एक फैमिली वाली हैं और वो भी अपनी दृष्टि संभाल रही हैं, अपने बच्चों को देखना, सासू ससुरों को देखना, और साथ में समय मिलता है तो अपने पति के साथ में भी अपनी समाज सेवा करती हैं। काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, अपनी संस्कृति को निभाते हैं, सारा पत्नी होने का धर्म निभाती हैं। गुरुदेव भी अपने सारे समाज सेवा कर रहे हैं, अपने भारत को आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का नाम रोशन कर रहे हैं और वृंदावन का नाम रोशन कर रहे हैं। वृंदावन में ही एक गुरुगोपाल आश्रम है जो इतनी प्रडे रोज़ इतनी महान सेवा होती है, रोज़ाना 30,000 भक्तों की सेवा होती है, और गुरुदेव को इन सब की सेवा करके बहुत बहुत इनको आनंद प्राप्त होता है, बहुत सुंदर सुकून प्राप्त होता है। और इतने ही नहीं, महासंतों के लिए भी व्यवस्था करने की सोच रहे हैं गुरुदेव। तो आप सबसे यही विनती है कि अपना थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करें गुरुदेव को धन से, ताकि उनकी सेवा कर पाएँ और बहुत ज़्यादा अपने इस सेवा का आनंद सभी ले पाएँ और सबकी सेवा हो। और इतना ही नहीं, जो हमारे सनातन धर्म में बांदरों को माना जाता है, बहुत ज़्यादा कृपा होती है बांदरों की सबकी। तो बस यही है, आप सभी का सपोर्ट है तो गुरुदेव की सेवा चल रही है, तो सच्चे मन से सेवा करें और अपने कथा भी सुनते रहें और कथा पाठ करते रहें। और हमारी कुछ चैनल्स पे नए आए हैं तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम गुरुदेव की रोज़ाना सेवाओं के दर्शन करा सकें, गुरुदेव के दर्शन करा सकें और आप सभी को हम इनके बारे में जितनी भी जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। और प्यारे प्यारे कमेंट करें गुरुदेव के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसे कि आप जानती हैं, नहीं जानते हैं तो इनके भजन बहुत सुपर हिट वायरल होते हैं, बहुत ज़्यादा हिट चलते हैं भजन। एक भजन है, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तू मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तो भजन